सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं वजीरेक्स में INR डिपॉजिट प्रॉब्लम के बारे में। जैसे कि आप लोगों को पता है, पिछले कुछ दिनों से हम लोग वजीरेक्स में सही तरीके से INR डिपॉजिट नहीं कर पा रहे, चाहे वो IMPS, NEFT, RTGS के थ्रू हो या UPI ID के थ्रू हो। तो क्या है इसका एक्चुअल रीज़न जिसके वजह से हम लोग यहाँ पे सही तरीके से डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं, और यहाँ पे कब तक हमें ये इशू देखने को मिलेंगे, कब तक ये इशू रिजॉल्व हो जाएंगे, आज की इस वीडियो पे हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगा, वीडियो को बिना स्किप करें बिल्कुल एंड तक देखिए। चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ क्लियर कर देना चाहूँगा कि अभी सिर्फ और सिर्फ वजीरेक्स में ही इशू नहीं आ रहे हैं, बल्कि अगर आप लोग कॉइन स्विच यूज़र हो तो कॉइन स्विच में भी ये इशू लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्या एक्चुअल रीज़न है डिपॉजिट प्रॉब्लम के पीछे। सबसे पहले तो गाइस, हम जो ये प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं ये वजीरेक्स या किसी और एक्सचेंज की वजह से नहीं कर रहे हैं, बल्कि इनके पेमेंट पार्टनर्स यानी कि आप कह सकते हो बैंक के कॉरपोरेशन के वजह से हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ रहे हैं। अभी के टाइम पे काफ़ी सारे बैंक है जो क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट नहीं करते हैं इंडिया में, ठीक है। तो इसी के वजह से ये इश्यूज हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन सबसे अच्छा गुड न्यूज़ यहाँ पे है, हमें इस तरीके से मिला है कि अभी जो है NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है, उन्होंने यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी को बैन करने के लिए रिफ्यूज़ किया है। क्योंकि जैसे आपको पता है कि अभी जो सुप्रीम कोर्ट का मार्च 2020 जो रूलिंग था वो अभी जो है वैलिड नहीं है, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग जो है NPCI कोई भी ट्रांजेक्शन, जो भी क्रिप्टो ट्रेडिंग के ट्रांजेक्शन है, उसको बैन नहीं लगा सकते। ये चीज़ उन्होंने क्लियर कर दिया है, और जो भी है उन्होंने जो है बैंक के ऊपर रख दिया है। अभी जो है बैंक वाले के ऊपर डिपेंडेंट है कि वो क्या करना चाहेंगे, वो क्रिप्टो को सपोर्ट करेंगे या सपोर्ट नहीं करेंगे। और अभी अगर आप गूगल पे ICICI बैंक बैंस क्रिप्टो करेंसी ऐसा कुछ सर्च करोगे तो आपको अभी के बहुत सारे न्यूज़ मिल जाएंगे, जहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो ICICI बैंक है अभी एग्जिट कर रहे हैं क्रिप्टो करेंसी से, वो जो है अभी कोई भी ट्रांजेक्शन्स क्रिप्टो करेंसी रिलेटेड नहीं करेंगे, ठीक है। यानी कि क्रिप्टो करेंसी में वो कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं करेंगे। इसी वजह से हमें पहले यहाँ पे वजीरेक्स में या फिर कॉइन स्विच में आप बात कर लो, पहले जो है हमें यहाँ पे ICICI बैंक के अकाउंट देखने को मिलते थे, लेकिन अभी जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ICICI बैंक अभी जो है क्रिप्टो ट्रांजेक्शन्स नहीं कर रहे हैं, इसीलिए अभी जो है वहाँ पर कंपनी ने पेटीएम पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन किया, वहाँ पर उन्होंने उसके साथ टाई अप किया है। और अभी के टाइम पे आई थिंक पेटीएम पेमेंट बैंक पर भी कुछ इशू हो रहे हैं, जिसके वजह से अभी वजीरेक्स में हम किसी भी तरीके से डिपॉजिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो गाइज, यही था एक्चुअल रीज़न जिसके वजह से हम लोग सही तरीके से अभी वजीरेक्स या दूसरे कोई भी एक्सचेंज में सही तरीके से डिपॉजिट नहीं कर पा रहे हैं। ऑलराइट, तो अभी हम लोग बात कर लेते हैं कि कब तक हमें और ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। तो अभी जैसे कि अगर आप ट्विटर पे वजीरेक्स के जो CEO है निश्चल सर, उनके ट्वीट आप देखोगे तो उन्होंने जो यहाँ पे ये चीज़ मेंशन कर दिया कि घबराने का कोई ज़रूरत नहीं, बहुत जल्द हम ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे, उसके बाद आपको कोई इशू नहीं होने वाला है। तो जैसे मैंने आप लोग बताया, अभी कोई भी एक्सचेंज का ये गलती नहीं है, एक्सचेंज में कोई भी इशू नहीं चल रहा है। जो भी इशू चल रहा है वो बैंक अकाउंट्स में ही चल रहा है, ठीक है। पेमेंट पार्टनर्स में ही जो है सारे के सारे इशू चल रहे हैं। जब तक वहाँ पे इशू सॉल्व नहीं हो जाते हैं तब तक हमें जो है ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, हो सके ये 3 से 4 दिन भी लग सकता है। तो क्या होने वाला है और आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताइए। और अभी तो हम सिर्फ वेट कर सकते हैं, बाकी बाय एंड सेल कर सकते हैं जो हमारे अमाउंट ऑलरेडी एक्सचेंज पर लगे हुए हैं उससे, और हम जो यहाँ पर अभी सही तरीके से विड्रॉ कर सकते हैं। बाकी सिर्फ और सिर्फ डिपॉजिट में इशू हो रहा है तो उसका भी कन्फर्मेशन हमें जल्द से जल्द मिल जाएगा। बाकी आपको क्या लगता है ज़रूर कमेंट में बताइए। चलिए आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को यहीं पेंड करता हूं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट और एक इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ।